नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास का अलजेब्रा का थर्ड लेसन पॉलीनोमियल्स का प्रॉब्लम सेट 3। प्रॉब्लम सेट की हमने तीन वीडियो बनाया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के लिए पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 के लिए क्वेश्चन नंबर 6 to 10 के लिए एक पार्ट 2 है, और क्वेश्चन नंबर 11 to 15 के लिए पार्ट 3 है। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्रॉब्लम सेट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, उसका अल्टरनेटिव आंसर दिया है, हमें उसमें चूज करना है कौन सा प्रॉपर है कौन सा नहीं। यह एमसीक्यू क्वेश्चन एक मार्क्स के लिए आ सकता है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीनोमियल्स, इसमें कौन सा पॉलीनोमियल्स है। पॉलीनोमियल होने की कंडीशन क्या है, जो भी हमारा वेरिएबल रहेगी उसकी जो डिग्री है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, समझ जाइएगा क्या वो पॉलीनोमियल्स है। यहाँ पे देखिए यक्स अपॉन वाई है, अगर हम यहाँ पे वाई को यहाँ पे लेते हैं तो उसका डिग्री कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बताइए यक्स इंटू वाई डिग्री कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे हमें यह पॉलीनोमियल्स नहीं है। और यहाँ पे यक्स जो दिया है उसकी डिग्री क्या दिया है, √2, और √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, यह पॉजिटिव इंटीजर नंबर नहीं है। थर्ड है यक्स पावर -2, तो ये भी तो -2 है, मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो ये भी पॉलीनोमियल नहीं है। यहाँ पे √2x² जो हमारा वेरिएबल दिया है यक्स, उसका स्क्वायर क्या है, उसका स्क्वायर दिया है, मतलब वहाँ पे जो डिग्री है वह पॉजिटिव इंटीजर है, इसीलिए यह हमारा क्या है, पॉलीनोमियल्स है। इसमें आंसर डी हमारा करेक्ट रहेगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। दूसरा है, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल्स √7, √7 की डिग्री क्या बताना है। देखिए √7 यहाँ पे कोई वेरिएबल यूज़ किया गया है नहीं, अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो उसकी डिग्री हम कितना एज्यूम करते हैं, 0 एज्यूम करते हैं। तो आंसर नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड है, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलीनोमियल्स है उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए। तो इसका अभी तक डेफिनेशन नहीं है हमारे में कि जीरो की कोई डिग्री नहीं होती, इसका डेफिनेशन नहीं है, तो ये क्या हमारा रहेगा, अनडिफाइंड लिख देंगे हम इसमें। अगर यक्स रहता तो उसकी डिग्री हम क्या ले लेते, 1, लेकिन यहाँ पे क्या है, 0 है, तो 0 की डिग्री हम डिफाइन नहीं की गई, तो अनडिफाइंड रहेगा। व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल्स (2x²+5q+7)। देखिए यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे पॉलीनोमियल्स का डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर नंबर 1 हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ (x³-1)। (x³-1) को हम पहले इंडेक्स फॉर्म में लिखें। इंडेक्स फॉर्म मतलब यक्स क्यू है, इसमें कुछ जो वेरिएबल की डिग्री मिसिंग है, जैसे (x²) है, यक्स है, तो उसको लिख लेते हैं। समझिए यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ आपको मैं, यक्स क्यू है उसके (+0x²+x-1)। ये हमारा क्या है, ये इंडेक्स फॉर्म है। अब इसका हम कोएफिशिएंट फॉर्म लिखते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर कुछ नहीं तो क्या, 1, यहाँ पे 0, फिर सॉरी यहाँ पे भी 0x लेना था हमें, यहाँ पे 0, फिर -1, ये हमारा इसका कोएफिशिएंट फॉर्म आया। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर सी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, (px)(x²-7√7x+3), देन (px)(7√7) की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे हमें क्या रखना है, 7√7 रखना है। तो चलिए हम आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखाते हैं। px = (x²-7√7x+3). अभी x की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, 7√7 रखना है। तो p(7√7), यहाँ पे 7√7² - 7√7 × यक्स की जगह भी क्या रखना है, 7√7+3। 7 का स्क्वायर 7 × 7, इट विल बी 49, और स्क्वायर है, रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल 7 - 7 बाहर का बाहर मल्टीप्लाई अंदर का अंदर, 7 7 जा 49, और √7 × √7 इट विल बी ओनली 7+3।
अब देखिए 49 इंटू 7 और 49 इंटू 7 करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा इसमें से माइनस कर देंगे तो हट जाएगा तो बचेगा क्या ओनली 3। मतलब इसका आंसर कौन सा है? 3 है। तो यहाँ पे आंसर नंबर हमारा ए क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। मतलब ये जो पॉलिनोमियल्स दिया है हमें उसको सॉल्व करके बताना है कि वहाँ पे उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये भी आपको सॉल्व करके हम दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है 2x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे क्यू है, एक्स की जगह हमें क्या रखना है? माइनस 1 रखना है। तो 2 माइनस 1 का क्यू प्लस 2 इंटू माइनस 1। 2 माइनस 1 का क्यू करेंगे तो कितना होगा? माइनस 1 ही होगा। अब प्लस माइनस क्या? माइनस 2। माइनस या प्लस है माइनस कितना हो जाएगा? माइनस 2 इंजा 2 माइनस 2 इट विल बी माइनस 4। मतलब आंसर क्या आने वाला है? माइनस 4 आएगा। आंसर नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ एक्स माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स देन वैल्यू ऑफ यम इज। मतलब यम की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जो पॉलिनोमियल दिया है देखिए फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम से एक्स की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे। इसको भी हम सॉल्व करके दिखाते हैं। 7th 8th का है पॉलिनोमियल दिया हुआ हमारा पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस यम एक्स। एक्स की जगह हमें क्या रखना है? यहाँ पे देखिए माइनस 1 है तो माइनस 1 का ऑपोजिट क्या होगा? प्लस। तो हम 1 रखेंगे तो पी 1 इज इक्वल टू 3 1 का स्क्वायर प्लस यम इंटू 1। फैक्टर है मतलब इसका पी 1 की वैल्यू क्या होगी? 0 और 3 और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 और 3 इंटू 1 क्या होगा? 3 होगा प्लस यम। अब यम की वैल्यू फाइंड करनी है 3 को इस साइड लेंगे तो यम इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारा आंसर नंबर डी यहाँ सॉरी सी हमारा करेक्ट है क्योंकि यहाँ माइनस 3 आया है। सी हमारा करेक्ट है। अगला 9th है, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 टू 2x माइनस 7x क्यू प्लस 4 एंड राइट द डिग्री ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब इसका मल्टीप्लाई करके हमें डिग्री लिखना है। डिग्री क्या होता है? जो पॉलिनोमियल्स में हाईएस्ट डिग्री होती है उसे हम डिग्री बोलते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट डिग्री वाला कौन है? स्क्वायर है और यहाँ पे क्यू है। स्क्वायर एंड क्यू का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? डिग्री 5 हो जाएगा। मतलब जो हमारा प्रोडक्ट आने वाला है उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या रहेगी? 5 रहेगी। आंसर नंबर ए हमारा करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीनियर पॉलीनोमियल। लीनियर पॉलीनोमियल क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। यहाँ पे डिग्री कितना है? 1 है हाईएस्ट। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 है। हाईएस्ट डिग्री की यहाँ पे 1 है तो ये हमारा क्या है? लीनियर पॉलीनोमियल है। ये ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए कुछ पॉलिनोमियल्स दिखे, हमें क्या लिखनी है? उनकी डिग्री लिखनी है। तो देखिए जो डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट जो अपना वेरिएबल होता है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है उसे डिग्री बोलेंगे। यहाँ पे वेरिएबल हमारा एक्स है तो डिग्री हमारी कितनी हो जाएगी? 4। तो हम यहाँ पे आंसर में लिख देंगे डिग्री इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट हमारा है 7। यहाँ पे देखिए कोई यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं तो हम क्या समझेंगे? एक्स है और एक्स है तो उसकी जो डिग्री है क्या मानेंगे? 0। तो यहाँ पे हम डिग्री लिख देंगे डिग्री इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारा दिया है ए एक्स पावर 7 प्लस बी एक्स पावर 9। अगर यह ए और बी अगर वेरिएबल होता तो यहाँ पे टोटल डिग्री कितनी हो जाती? 8, क्योंकि एक 1 इसका 7 इसका टोटल 8 हो जाती। और यहाँ पे भी 1 यहाँ पे यह 9 टोटल कितना था? 10 हो जाता है। लेकिन a और b हमारा क्या दिया है? कांस्टेंट दिया है। कांस्टेंट मतलब कोई नंबर है तो हमें केवल x को वेरिएबल एज्यूम करना है। तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे कितनी है? 9 है। सो डिग्री इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म और कोएफिशिएंट फॉर्म की एक अलग हमने सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें बोलना है स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? जो पावर होते हैं उसका हमें क्या लिखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। यहाँ पे देखिए सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है? 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2, इसके बाद 1, उसके बाद विदाउट वेरिएबल। तब से सबसे पहले हमें किसका लिखना? हाईएस्ट पावर वाले लिखना पड़ेगा। तो 7x पावर 4, उसके बाद q वाला यक्स क्यू, उसके बाद स्क्वायर वाला प्लस 4x स्क्वायर, उसके बाद विदा वेरिएबल वाला मतलब कि सिंगल डिग्री 1 वाला माइनस x,
और विदाउट वेरिएबल 9, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है पी प्लस 2PQ प्लस 10P² प्लस 5 पावर 4 माइनस 8। यहाँ देखिए हाईएस्ट डिग्री कितनी है 4, उसके बाद क्यू, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद पी, उसके बाद माइनस 8। चलिए लिख लेते हैं, पहले 5P power 4 प्लस 2P का Q प्लस 10P² प्लस P-8। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का उसका हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया, सेकंड क्वेश्चन है उसका भी स्टैंडर्ड बना दिया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4 हमारा है राइट द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स इन कोएफिशिएंट फॉर्म। देखिए जो भी दो पॉलीनोमियल्स दी गई उसके हमें क्या लिखना है, कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म लिखने के पहले जो भी पॉलीनोमियल्स है हमें उसे इंडेक्स फॉर्म में करना पड़ता है। इंडेक्स फॉर्म मतलब कोएफिशिएंट जो जो वेरिएबल रहता है उसका डिग्री का डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर जो मिसिंग है उसे भी हम लिखना पड़ता है। देखिए यहाँ पे x पावर 4 है, मतलब उसके बाद क्या होना चाहिए था, पावर 3, पावर 2, पावर 1, फिर विदाउट वेरिएबल लिखते। तो हम पहले इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि कुछ डेटा क्या है, मिसिंग है। तो लिख देंगे इंडेक्स फॉर्म हमारा हो जाएगा x पावर 4 प्लस 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x एंड लास्ट में विदाउट वेरिएबल कौन है, 16 है। अब इसका हम क्या लिखते हैं, कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म क्या हो जाएगा, इसके आगे कुछ भी नंबर नहीं है तो क्या समझेंगे हम, 1, 1, 0, 0, 0 एंड 16। नेक्स्ट हमारा है m पावर 5 प्लस 2m² प्लस 3m प्लस 15। देखिए यहाँ पे मिसिंग है m पावर 4, m पावर 3, तो हम उसको लिख लेते हैं। पहले हम इसका इंडेक्स फॉर्म लिखते हैं, इंडेक्स फॉर्म क्या होगा हमारा, m पावर 5 प्लस 0m पावर 4 प्लस 0m पावर 3 प्लस 2m² प्लस 3m 15। अब इसका हम क्या लिखते हैं, कोएफिशिएंट फॉर्म। देखिए यहाँ पे नंबर कुछ भी नहीं तो क्या अज्यूम करेंगे, 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, फिर 2, 3 और 15। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है राइट द इंडेक्स फॉर्म ऑफ द पॉलीनोमियल्स यूजिंग वेरिएबल एक्स फ्रॉम इट्स कोएफिशिएंट फॉर्म। मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट फॉर्म दिया है जिसकी हेल्प से हमें क्या लिखना है, इंडेक्स फॉर्म लिखना है, और भी वेरिएबल दिया है x यूज़ करके। देखिए बहुत इजी है, यहाँ पे देखते हैं हमें कितने टर्म हैं, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 टर्म है। मतलब इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी लगी, एक कम लगाना है, कितना, 4। चलिए तो ये हम ले लेते हैं x 3x पावर 4 माइनस 2x³। देखिए 0 आना है तो 0 के साथ में x स्क्वायर आएगा, हम इसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हम किसको लिखते हैं, 7x प्लस 18। क्योंकि अगर 0x² लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होगा, 0 ही होगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। दूसरा 6, 1, 0, 7, यहाँ पे कितने टर्म है, 1, 2, 3, 4 है, 4 है, मतलब इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना लेना पड़ेगा, एक कम, मतलब 3 लेना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं इसको हम 1 है, 1 को हमें यहाँ लिखना नहीं है, डायरेक्टली क्या लिखना है, x² और 0 वाला क्या आएगा, 0x आएगा, लेकिन उसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली क्या लिखेंगे हम, 7। नेक्स्ट हमारा है 1, 2, 3, 4, यहाँ भी 4 टर्म है, मतलब यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा हमें, डिग्री हाईएस्ट 3 लेनी पड़ेगी। तो 4x³ प्लस 5x² माइनस 3x और लास्ट में क्या है, 0 है, तो उसको 0 लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे हमने प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 1-5 कंप्लीट कर दिया है। अदर जो क्वेश्चंस हैं उनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इस तरह हमारी यहाँ की वीडियो कंप्लीट हो गई। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।